कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि बेहोश पड़ी हुई थी। उसकी उंगलियों पे खून लगी हुई थी और उसकी जूते खून से भर चुकी थी। अब जैसे ही उस लड़की की आंख खुलती है, वह खुद को एक अनजान जगह पर देखकर डर जाती है और डर के मारे नीचे खिसक जाती है। लेकिन किस्मत से वह खुद को संभाल लेती है। अब वो उस जगह को ध्यान से देखने लगती है। वो देखती है उसकी चारों तरफ सिर्फ कंक्रीट की दीवार और उसके नीचे एक काली अंधेरी गहरा खाई जहां से किसी की चीखने की आवाज आ रही है। उसे पता ही नहीं वो यहां कैसे आया। अब वो हिम्मत जुगाती है और धीरे धीरे ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन थोड़ी सी उठ के ही फिर से नीचे खिसक जाती है। अब वो अपनी हाथों को देखती है, उसके हाथ खून से भर चुका था। वो हिम्मत जुगाती है और खून से भरी हाथों को अपने कपड़े से पोंछकर एक बार और ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हाथ इतनी घायल हो चुकी थी कि वो उठ ही नहीं पा रही थी। वो बार बार अपनी हाथों को उसकी कपड़ों से पोंछकर ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन एक दो इंच से ज्यादा ऊपर उठ ही नहीं पाती। अब जैसे ही वो एक और बार ऊपर उठने की कोशिश करती, तभी उसकी नज़र सामने वाली दीवार पर लगी खून के धब्बों की तरफ जाती है। लड़की उसे इग्नोर करके फिर से ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन फिर से वो फिसल कर नीचे आ जाती है। अब वो देखती है दीवार में लगी खून के धब्बे आगे से और भी ज्यादा बढ़ गई है। लड़की फिर से उसे इग्नोर करती है और एक और बार ऊपर उठने की कोशिश करती है, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी वो असफल हो जाती है। लड़की की नज़र फिर से उन खून के धब्बों की ऊपर पड़ती है और अब उसे हेलुसिनेशन आने लगते हैं कि जैसे खून के वो धब्बे और अंधेरी खाई से निकली हुई आवाज़ उसे हार मानने के लिए कह रही है। अब लड़की को भी लगने लगता है कि उसे अब हार मान लेनी चाहिए। वो अपनी हाथों को देख ही रही थी कि तभी पानी एक बूंद उसकी उंगलियों पर आ गिरता है। क्या ये बारिश के बूंदे उसकी कुछ मदद कर पाएगी या फिर उसे मौत के और करीब ले जाएगी? ये सोचते हुए लड़की वहाँ चैन से सो जाती है। वो वहाँ ये से सो जाती है जैसे कि वो अपनी घर में सोई हुई है। बारिश की पानी उसे धीरे धीरे मौत के करीब ले जा रही थी। इसे रोकने के लिए लड़की अपनी गले की चेन को खोलकर अपनी हाथों और बांध लेती है जिसे फिसलन ना हो, लेकिन मौत को कौन रोक सकता है। धीरे धीरे वो भी मौत की उस अंधेरी खाई में खो जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि हमारी जिंदगी हमेशा मौत के सामने लटकी हुई रहती है। ना हम उससे ऊपर उठ सकते हैं, न ही हम एक जगह ठहर सकते हैं। एक ना एक दिन हमें हार मानना ही पड़ेगा, बिल्कुल उस लड़की की तरह। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर देना। मिलते हैं एक नई और अनोखी कहानी के साथ।